मैं हूँ गोरेगांव फिल्म सिटी में। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पास है, मतलब यह हम लोग आ गए, फिल्म सिटी पहुँच गए। अभी यहाँ पे अंदर जाऊँगी, टिकट्स लेना है, पर पर्सन 500 है शायद से। तो उसके बाद बस, ये वाला जो मेरे पीछे बस है ना, वो बस पे लेके जाएगा, फिर घुमाएगा। मतलब ये है एंट्री गेट, और यहाँ पे टिकट्स वगैरह लेना होता है। देखिए सब फिल्म स्टार का फोटोज़ लगा हुआ है। और ये बस जाएगा, अभी हम लोग वेटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं। और हम लोगों ने टिकट्स ले लिया, हम लोग पर पर्सन 1000 रुपीज़ है। हम लोगों ने ऑनलाइन चेक किया था, ऑनलाइन 599 दिखा रहा, 599 था ना, 599। लेकिन हाँ देखो, भूख के मारे ये लोग खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर प्लेस, हम लोगों का खाना ऑर्डर हो गया। और यहाँ पे वो बस, वो 1 o'clock वाले, ये वाला रिटर्न आ रहा है ना अभी, 1 o'clock वाला जाएगा। हाँ जाएगा, एवरी हाफ एन आवर में जाता है बस। जर्नी रहता है 3 hours का, जर्नी पूरा, हाँ 3 hours का होता है पूरा जर्नी। हम लोगों का 2 बजे 2 बजे से 5 बजे 2 बजे से, हाँ 3 hours का होता है, तो 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ये वेटिंग हॉल, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलता है, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर सब। अभी हम लोगों का बस आ गया, अभी हम लोगों का टाइम है, मतलब 2 o'clock से जाएगा 5 o'clock तक। बस में बैठे हम लोग, ये दोनों मैं और यहाँ पर सूरज मैम, हाय बोल दीजिए। कोई नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं फिल्म सिटी के अंदर, वहाँ पे सब कुछ होगा, जो भी मतलब मूवी का शूटिंग वगैरह सब स्टेज है। और हम लोग जो सीरियल देखते यहाँ पर ही शूटिंग होता है, सो देखेंगे हम लोग। और हम हमारे मम्मी लोगों को भी देखने मिलेगा ब्लॉग के थ्रू, ब्लॉग बनने का तो ये फायदा है ना, अभी हम लोगों को मतलब यहाँ से जब जाएंगे तो मतलब देखने को मिलेगा कि हाँ हम लोगों ने ये देखा वो देखा, बाद में चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। बॉलीवुड की मूवीज वेब सीरीज सीरियल का 80% काम फिल्म सिटी के अंदर ही होता है। और 2001 में हमारे फिल्म सिटी को नाम दिया गया दादा साहेब फाल्के, चित्रा नगरी इन द मेमोरी ऑफ दादा साहेब फाल्के। डू यू गाइस नो हु इज दादा साहेब फाल्के? एनीवन, किसी को पता है कौन है दादा साहेब फाल्के? दादा साहेब फाल्के वॉज अ फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर हु मेड अ मूवी कॉल्ड राजा हरिश्चंद्र। साइलेंट मूवी थी फर्स्ट मूवी हमारी बॉलीवुड की, तब से लेकर अब तक बहुत सारी फिल्मों का सिलसिला चलता आया। और निर्देशक थे हमारे दादा साहेब फाल्के। और 2001 में हमारे फिल्म सिटी को नाम दिया गया, एंड एज यू नो उनके नाम से बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। हमारी चेकिंग हो गई, ओके। सो फाइनली आज आप लोग बॉलीवुड की रियलिटी फेस करोगे, आज आपको मौका मिलेगा बॉलीवुड के राज से पर्दा हटाने का, जैसे कि आप लोग बॉलीवुड के फैक्ट्री विजिट पर आ चुके, बहुत सारी नई चीज़ें जानने मिलेंगी बॉलीवुड के बारे में। एंड होप फॉर द बेस्ट, आपके पॉजिटिव वाइब्स की वजह से कोई शूटिंग देखने मिल जाए, कोई आर्टिस्ट सेलिब्रिटी नजर आ जाए, यू नेवर नो, अंदर कुछ भी हो जाता है। आर्टिस्ट लग्जरी कार से उतरा, कोई वैनिटी से निकला, कोई सेट के बाहर, कोई स्टूडियोज के बाहर नजर आता, कुछ भी हो जाता है। अदरवाइज लोकेशन देखेंगे, उसकी जानकारी सुनकर आपको मजा आएगा। मूवी हो, वेब सीरीज हो, सीरियल हो, शूटिंग के पहले दिन पर सेट पर गणपति बप्पा को याद किया जाता है, उनकी आरती की जाती है हर सेट पर, हर शूटिंग में, हर दिन। तो मैं चाहूंगा सब मेरे बात बोलिए, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलिए, बहुत ही धार्मिक माहौल बन चुका, पवित्र मन के साथ हम लोग एंटर कर चुके हैं दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी के अंदर के लिए। आपके राइट हैंड साइड पर हमारा पहला लोकेशन जिसका नाम है साई मैदान, एक खाली मैदान नजर आएगा आपको। आप लोग सोचोगे राहुल साहब खाली मैदान क्यों दिखा रहा है, खाली मैदानों की खासियत पता चलेगी थोड़ी देर में। 90s के जमाने की साई मूवी यहाँ पर फिल्माई गई, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, मलयालम इंडस्ट्री का बिग बॉस यहाँ पर शूट किया गया। कुछ दिनों पहले बनाया गया था पूरा पंजाब आने वाली अपकमिंग मूवी के लिए, शाहरुख खान सर की डंकी। दादा डंकी मूवी में आपको पंजाब नजर आएगा, पूरा पंजाब क्रिएट किया गया था इस मैदान पर और आने वाले नेक्स्ट मैदान पर। और पंजाब कैसे क्रिएट किया गया पूरा प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये रहा वेलकम मैदान, आधा पंजाब यहाँ पर बनाया गया। वेलकम मूवी में आप लोगों ने नाना पाटेकर का दुबई वाला बंगलो देखा,
यहीं पर बनाया गया था। जी हाँ, चिड़िया के लिए अभी लड़कियों का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग जैकलिन फर्नांडिस डांस करते हुए नजर आई रेस्टोरेंट्स और कैफेज के बाहर, पूरा सेट क्रिएट किया गया। नंदू भिड़े दिमाग में किड हैप्पी न्यू ईयर का, चार दीवारों वाला मोहल्ला, अभिषेक बच्चन का धैयंडी फोड़ने का सीन, पूरा मोहल्ला क्रिएट किया हैप्पी न्यू ईयर के लिए। डंकी के लिए पंजाब बनाया गया, अक्सर यहाँ पर सेट्स बनाए जाते हैं। कैसे जितनी भी प्रॉपर्टीज की दीवारें आपको नजर आती है टीवी स्क्रीन पर देखने में ऐसी नजर आएंगी, ईंटों से और सीमेंट से बनाई गई होती है, लकड़ी प्लाउड थर्माकोल प्लास्टर और पैरिस से बनी। शूटिंग खत्म होने के बाद पूरा सेट तोड़ दिया जाता है, मैदान खाली, आगे आपको लाइव डेमोज भी नजर आएंगे। अगर यहाँ पर बंगलो रेस्टोरेंट कैफे वगैरह होता, घर वगैरह होता, दरवाजा खोलकर अंदर जाते क्या नजर आएगा, लकड़ी प्लाईवुड थर्माकोल जंगल। क्योंकि जितना कैमरा फील्ड में रिक्वायरमेंट होता है, जितना कैमरा फील्ड में नजर आएगा दिखेगा उतना ही ब्यूटीफुल और रियलिस्टिक बनाया जाता है यहाँ पर, अदरवाइज पूरा रॉ मटेरियल नजर आता है। जोश मूवी में आप लोगों ने शाहरुख खान सर का गोवा देखा, पूरा गोवा यहीं पर स्थापित किया गया था। जी हाँ, जैसे गोवा पंजाब बनाया गया डंकी मूवी के लिए, सेम प्रोसेस था गोवा बनाने के लिए। यहाँ पर संजय लीला भंसाली की सबसे फेवरेट लोकेशन, उनके हर मूवी का एक सेट वहाँ पर लग जाता है, मूवी हिट हो जाती है। संजय लीला भंसाली सर बहुत लकी मानते हैं उस लोकेशन को, अभी भी उन्हीं का सेट है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल बाजीराव मस्तानी में शनिवार वाड़ा आप लोगों ने देखा, पूरा वाड़ा क्रिएट किया गया था। पद्मावत में पद्मावती का महल, रानी पद्मावती, दीपिका पादुकोण खुद को जला लेती है क्लाइमैक्स में, पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ का महल पूरा बनाया गया वहाँ पर। रामलीला के लिए गुजरात का मोहल्ला, गुजरात की गलियां, रणवीर सिंह मस्ती करते हुए नजर आए, पूरा गुजरात बनाया गया। अभी वहाँ पर बनाया गया है एक महल आने वाली अपकमिंग मूवी के लिए संजय लीला भंसाली सर की, हीरा मंडी। जी हाँ, हीरा मंडी में महल नजर आएगा आपको, बारिश के सीजन से पहले आते तो आपको महल यहीं से नजर आता, बारिश की वजह से पूरा सेट ढककर रखा गया क्योंकि लकड़ी ब्लॉक थर्माकोल का महल है, खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए इसलिए। इस महल के पहले यहाँ पर हुआ करता था कामाटी पूरा गंगूबाई काठियावाड़ी, फिर पूरे मोहल्ले को तोड़कर इस महल को बनाया गया, 400-500 मजदूरों के मेहनत, उसके बाद एक सेट बनकर रेडी हो पाता है। एक डेढ़ साल दो साल शूटिंग होती है, उसके बाद पूरा सेट तोड़ दिया जाएगा, मैदान खाली। दादा थोड़ा सा स्लो रखेंगे, इफ यू कुड सी द ग्लिम्स ऑफ द कैसल इनसाइड द गेट, यहाँ से आपको थोड़ा सा नजर आ सकता है, लाइटिंग्स नहीं होंगी क्योंकि शूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट एज यू कैन सी पूरा स्ट्रक्चर नजर आएगा, लकड़ी से बना हुआ महल। आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में तब्दील कर देंगे, खाली मैदानों पर जो चाहे वो क्रिएट करके। एक डेढ़ साल दो साल शूटिंग होगी, उसके बाद पूरा सेट तोड़ दिया जाएगा। भंसाली प्रोडक्शंस के आपको नजर आएंगे पोस्टर्स यहाँ पर, जाओ जा। कलंक मूवी में आलिया भट्ट का महल, सुल्तान मूवी में चारों तरफ ऑडियंस बैठी थी, बीच में सलमान खान रेसलिंग करते हुए, भारत मूवी में मेले का सीन, जो चाहे वो खाली मैदानों पर बना लिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा झोकर मैदान, झोकर मूवी में पगलापुर गांव यहाँ पर बसाया गया था। रईस मूवी में गुजरात का मोहल्ला, अभी यहाँ पर अग्नि मूवी के लिए पूरा मोहल्ला बनाया गया है इसके अंदर। ब्रह्माश्रम मूवी में चढ़ेया डांस का भूत चढ़ेया, पूरा डांस का भूत चढ़ा था यहीं पर, पूरा दशहरा क्रिएट किया गया उस मूवी के लिए। शमशेरा के लिए गुफाएं बनाई गई और तब जाकर यहाँ पर अभी अग्नि मूवी के लिए पूरा ये मोहल्ला क्रिएट किया गया। और इस गाँव को देखा 90s के जमाने का बीआर चोपड़ा जी का महाभारत सीरियल यहाँ पर शूट किया जाता था। भूल भुलैया 2 मूवी देखी होगी आप लोगों ने, जितने भी कार्तिक आर्यन के गांव के सीन थे, यही हमारा अबूचा गांव था। एक सीन बताना चाहूंगा, कार्तिक आर्यन रू बाबा बनकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता है जनता के सामने, फिर राजपाल यादव आता है गद्दी को लेकर, दोनों के बैकग्राउंड में पूरे कलरफुल गांव नजर आएंगे, वहां पर पतरे वगैरह है, ब्लू कलर के घर। इस गांव को अक्सर चेंज करके यूज किया जाता है ताकि एक जैसा ना दिखे, बट भूल भुलैया 2 में से नॉर्मली यूज किया। अमिताभ बच्चन सर अपना फेमस आइकॉनिक डायलॉग बोलते हुए नजर आए, हम जहाँ पर खड़े हो जाते हैं लाइन से शुरू होती है, पूरा डायलॉग यहीं पर शूट किया गया, पूरा जेल क्रिएट किया गया उस दिन के लिए। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में आप लोगों ने देखा अजय देवगन को भाषण देते वक्त गोली लगने वाला सीन, सुल्तान मिर्जा का क्लाइमैक्स शूट किया गया पूरा यहाँ पर। मेरी वाली डिंगडांग करती है, बहुत सारे सॉन्ग शूट हुए। सत्यमेव जयते राम सेतु का रैपअप यहाँ पर हुआ। कॉमेडी नाइट विद कपिल, आपको एक धुंधली सी न्यूज याद होगी, कलर्स पर आता था कॉमेडी नाइट विद कपिल, उसका सेट जल गया था, टेक्निकल इशू बताया गया था, पूरा सेट यहीं पर जला था, उसके बाद उसे कहीं और शिफ्ट किया, उसकी जानकारी आगे दूंगा। अभी यहाँ पर होता है बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का सीरियल का शूटिंग नागिन 6। जी हाँ, एकता कपूर नाम का नागिन 6 अभी इसके अंदर शूट किया जा रहा है। जरा गाव्या लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा 5 नंबर स्टूडियो, जिसका वो ब्लैक गेट है ना बड़ा सा, यहाँ पर आज मौजूद है धोनी जी। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जी का शूट लिया जा रहा है स्टूडियो के अंदर, वैनिटी जैसा कि आप लोग देख सकते हो, उनकी ऑडी वहां पर लगी हुई जी, ये रही 0009 वाली। आपको बताना चाहूंगा ये स्टूडियो है जिसके अंदर मैजिक क्रिएट किया जाता है, इसी के अंदर VFX टेक्नोलॉजी, क्रोमा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जितने भी इंडोर वाले सीन होते हैं
बेसिकली ट्रेन के अंदर के सीन, प्लेन के, हेलीकॉप्टर, घर के, फ्लैट के, बंगलोज के अंदर के सीन, रेस्टोरेंट के अंदर के, बेसिकली जितने इंडोर वाले सीन होते हैं खाली स्टूडियोज के अंदर जो चाहे वो क्रिएट करेंगे, शूटिंग खत्म, स्टूडियो खाली, और बाहर से सेंट्रल जेल जैसा लगता है, इसलिए इसे सेंट्रल जेल के लिए भी यूज़ करते हैं। दादा आगे लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे यहाँ पर धोनी सर फर्स्ट नंबर गेट पर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जमा हो गए थे देखने के लिए। दादा थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर, सीधा देखिए यहाँ से एंड में आपको नजर आएगा रेड कलर का पोस्टर वहाँ पर एंड में, जिसमें कपिल शर्मा अपने भाई फैलाए खड़ा है व्हाइट कलर के कोट में, वही है कपिल शर्मा शो की ऑडियंस की एंट्रेंस का गेट। एज ऑडियंस अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ, आपको भी वहीं से एंटर करवाया जाएगा। वो बैक साइड है सेट का, फ्रंट साइड का है वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। दादा लॉग इन, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे चित्र नगरी के राजा हमेशा यहीं पर रहते हैं। ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जहां से सारे लोकेशंस की बुकिंग की जाती है। जी हाँ, कैंपस एरिया, स्टूडियोज और भी लोकेशंस आपको नजर आने वाले हैं, सभी की बुकिंग होती है यहां से, बड़ी से भी नहीं छोड़ते। कॉलेज बन जाता है स्कूल कॉलेज, बैंक बन जाता है, यमला पगला दीवाना में सनी देओल आते बैंक में, अनुपमा में कोर्ट, ये रिश्ता क्या कहलाता है बिरला हॉस्पिटल, तारक मेहता में टप्पू का स्कूल कॉलेज, अक्सर परमानेंट प्रॉपर्टीज को भी नहीं छोड़ते, अंदर ऑफिस के काम बाहर शूटिंग हो जाती। जी हाँ, कैंपस एरिया हम लोगों ने किया कंप्लीट, चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन की ओर। लेफ्ट हैंड साइड पर अंदर जाते हुए रास्ता नजर आएगा, जहां पर ब्लैक कलर के कर्टन्स और पत्रे नजर आएंगे, वहीं पर है अनुपमा का बंगलो। जी हाँ, जिसे बंगलो कहते हैं वो जो शर्म आएगी क्योंकि आपको पत्रे नजर आएंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा सीरियल्स में अक्सर आपको फ्रंटल एरियाज दिखाए जाते हैं बंगलोज के, राइट, फ्रंटल एरिया दिखाया डायरेक्टली अंदर का सीन। लेफ्ट हैंड साइड पर मराठी इंडस्ट्री का बिग बॉस, हिंदी वाला कहाँ चल रहा है वहाँ पर भी जाएंगे। आपको बताना चाहूँगा इसका शूट स्टार्ट हो चुका है, आई गेस मतलब पूरा प्रीमियर शूट हो चुका है। इससे पहले यहाँ पर हुआ करता था लॉकअप कंगना रनौत मैम का, फिर स्टार्ट हुआ मराठी इंडस्ट्री का बिग बॉस। और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा सलमान खान सर का बिग बॉस का सेट, ये नहीं ये वॉशरूम है, ये ब्लू कलर के पतरे जिसके अंदर सारे कंटेस्टेंट्स रहते हैं। जी हाँ, 5 साल पहले लोनावला में हुआ करता था बिग बॉस, 5 साल से हमारे सिंचड़ी में शूट किया जा रहा है, और फिर स्टार्ट हुआ था मलयालम इंडस्ट्री का बिग बॉस जिसका फिनाले शूट हुआ, जिसे होस्ट करते थे मोहन लाल सर। एंड एज यू कैन सी द पोस्टर ऑफ सलमान खान सर, ये रहा मेन एंट्रेंस बिग बॉस का, जब यहाँ पर शो होता है फ्राइडे को सलमान खान सर आते हैं, और फ्राइडे को बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं प्रमोशन के लिए, तब सभी की वैनिटीज यहाँ पर बाहर लगी हुई रहती है, हमारी बस आती है, कोई वैनिटी से उतरा मीडिया वाले को फोटोज इंटरव्यू देते हुए हमारी बस आ जाती है, हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, वीडियोज फोटोज मिल जाती है मीडिया वाले के आड़ में, हम लोग भी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा लकड़ी बैंड थर्माकोल का एक बंगलो, ब्यूटीफुली क्रिएटेड बंगलो, जैसा कि मैंने कहा फ्रंटल एरिया ब्यूटीफुली क्रिएट पूरा का पूरा क्रिएट किया जाता है। यहीं पर दीपिका पादुकोण को महल के साथ जला दिया गया था। अरे शाहिर शेख देखो पिंक शर्ट, शाहिर शेख इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, ही वाज अ कैरेक्टर ऑफ महाभारत, किसका रोल किया था, अर्जुन का रोल किया था शायद उन लोगों ने। दादा रुकेंगे थोड़ा, जहां से ट्रैवलिंग की शूट्स लिए जाते हैं, यहीं से चारों धाम की यात्राएं तय कर ली जाती है, कश्मीर, नैनीताल, हिमाचल के सफर तय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड के बगल में, रोड के साइड में एक छोटा सा माइलस्टोन रखेंगे, येलो व्हाइट कलर का थर्माकोल का माइलस्टोन, जिस पर लिखेंगे गोवा 150 किलोमीटर, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, बिहार 600 किलोमीटर। एक गाड़ी पास होगी, माइलस्टोन का शॉट लेंगे, बैकअप माइलस्टोन गायब, कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर देश बदले जाते हैं। ये तो कुछ धामधाम नजर आ रहा है मुझे, कुछ देर में यहाँ पर शूट स्टार्ट हो जाएगा। वो देखिए नकली मंदिर लकड़ी का पूरा, जी हाँ ये हमेशा यहीं पर नहीं रहता, शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ देर बाद, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद किसी सीन के लिए। नीचे वहाँ पर भी तैयारियाँ हो रही है, हुंडई के साथ कार की एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, शाहरुख खान सर नजर आएंगे गाड़ी चलाते हुए पूरी सड़क पर ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पर यूपी का सीन, जीप देखिए यूपी पुलिस, जी हाँ जैसा कि मैंने कहा कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर देश बदले जाते हैं, जिस देश की उस देश की सड़क ये बन जाती है। वेब सीरीज सीरियल में नजर आने वाला एक ही कॉमन मंदिर, जिसे देखने के बाद आपको खुद ब खुद बहुत सारे सीन्स भी याद आ जाएंगे। फेमस लोकेशन ऑफ आवर फिल्मसिटी टेंपल मंदिर, जहां पर ड्रीम गर्ल 2 आयुष्मान खुराना का शूटिंग का सेटअप लगाया जा रहा है, बॉडीगार्ड्स वहां पर बहुत सारे होंगे। ये सीन लिए गए एंट्री एग्जिट का क्यों, अंदर का सीन क्यों नहीं, वो आप लोग खुद देखिएगा।
आपको बताना चाहूंगा बंगलो ये है परमानेंट, बट इसके अंदर कुछ नहीं है बिकॉज इंडोर वाले शूट्स कहाँ पर लिए जाते हैं, स्टूडियोज के अंदर, जो स्टूडियोज मैंने आपको एक बार दिखाया, और भी बहुत सारे स्टूडियोज आपको आगे नजर आएंगे और स्टूडियोज को अंदर से देखने का मौका मिलेगा हमारे द बॉलीवुड थीम पार्क में। आपको बताना चाहूंगा बागबान के अलावा सिंघम मूवी अगर देखी होगी आप लोगों ने, लास्ट का क्लाइमैक्स का सीन फर्स्ट वाला पार्ट सिंघम का, जैसा शुक्रिया भाग भाग कराता है, हड़बड़ी में एक टीचर से मिलता है, हाथ में गन होती है, भाग जाता है। सेंट मैरी स्कूल नजर आएगा, ये पूरा बंगलो पूरा एसिडी जैसा नजर आएगा, ग्रीन कलर का बोर्ड लटका गया था, दैट्स इट। मूवी अगर देखी होगी गब्बर इज बैक, कब्रिस्तान बनाया गया था पूरे गार्डन को, अक्षय कुमार कब्रिस्तान में खड़े हैं, अक्षय कुमार के बैकग्राउंड में नजर आएगा पूरा बंगलो एसिडी जैसा। और होली खेले रघुवीर रावत में सॉन्ग, पूरे अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी डांस करते हुए नजर आएंगे गार्डन में, बैकग्राउंड में नजर आएगा हमारा बंगलो। माजा की एडवर्टाइजमेंट के लिए अमिताभ बच्चन बंगलो में बैठे, पूजा हेगड़े क्रिकेट खेल रही है, बॉल चले आते हैं उनके घर में, कलरफुल बॉल बाहर आते हैं। जज्बा मूवी में ऐश्वर्या राय इरफान खान पूरे गार्डन में टहलते हुए नजर आएंगे, बैकग्राउंड में नजर आएगा बंगलो। सीरियल्स में अक्सर अनाथ आश्रम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ढाबा, होटल, रिसोर्ट, जो चाहे वो बनाएंगे, 90s के जमाने का अस्पताल बन जाता। और जो बात है सर का फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है फिल्म मेकिंग के बारे में, ये स्टूडेंट्स आगे बढ़कर अपने प्रोडक्शन हाउसेज खोलेंगे, अलग अलग पेड़ में जाएंगे शूटिंग लाइन में। इसकी जो फीस है बहुत हाईएस्ट फीस है, सेलिब्रिटीज भी आते हैं बच्चों को क्लासेस देने के लिए कभी कभार। मुन्ना भाई MBBS में जादू के झप्पे वाला हॉस्पिटल था ये, ले तेरा हीरो में वरुण धवन का कॉलेज, अदरवाइज एक फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट गुड इंटरनेशनल। लेफ्ट हैंड साइड पर आज से ठीक 12 साल पहले स्टार प्लस चैनल पर एक रिश्ता पक्का किया गया था, गदर रुकेंगे, जिसे नाम दिया गया ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रियंका विला और सिंगानिया सदर दोनों बंगलोज के बंगलोज नजर आएंगे आपको, एक बंगलो है उदयपुर में, एक बंगलो है जयपुर में, यहाँ पर है अगर बगल में फिल्म सिटी के अंदर। 12 साल से चल रहा है ये सीरियल भी, बहुत फेमस है दादा। लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत ही फेमस लोकेशन कोर्ट अदालत, मुंबई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, यूपी कोर्ट, बिहार कोर्ट, जलंधर कोर्ट, लखनऊ कोर्ट, यहाँ तक कि इंग्लैंड का कोर्ट इसे बना दिया जाता है बैरिस्टर बाबू सीरियल के लिए। रुकेंगे दादा, मूवीज की बात करूं, अरे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, चेंज करेंगे कोर्ट को थोड़ा सा। मूवीज की बात करूं, घातक दामिनी नायक खलनायक, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिद्दी सलाके पिंग, अमला पगला दीवाना, ओ माय गॉड जॉली, LLB पिंग, बहुत सारे मूवीज में आप लोगों ने इसे एज अ कोर्ट देखा। लाइब्रेरी म्यूजियम भी बना दिया जाता है, बट ज्यादातर कोर्ट के लिए यूज करते हैं। इसके कोर्ट के अंदर भी पूरा कोर्ट का सेटअप है रियल कोर्ट जैसा। बिंगो मैड एंगल्स की एडवर्टाइजमेंट देखिए, रणवीर सिंह गडकरी में खड़ा है, पूरा इसके अंदर का शूट। ये कोई हॉल बनाया जा रहा है, नीचे देख सकते हो आप लोग, सिनेमा हॉल, सिनेमा बनने वाला भैया, चलिए आगे चलेंगे, सिनेमा हॉल बन जाएगा कोर्ट हमारा। आपको बताना चाहूंगा सामने से आपको फ्रंटल एरिया कोर्ट नजर आया राइट, बगल वाली दीवार देखिएगा लेफ्ट साइड से कोर्ट की, वो दीवार सुनी पड़ी हुई थी तो उसे क्यों ना यूज करें शूटिंग के लिए, चर्च बना दिया गया। जी हाँ, ये सब आपको देखने मिलेगा फिल्म सिटी के अंदर, एक तरफ भगवान की अदालत, एक तरफ इंसानों की। चर्च के अंदर एंटर करोगे तो कोर्ट में घुस जाओगे, क्योंकि अंदर पूरा कोर्ट का सेटअप है, बागबान के बंगलो जैसा इसका बाहर दीवार यूज की जाती है। और उसी चर्च के बगल में एक व्हाइट कलर की चौल नजर आएगी आपको वहां एंड में, जिसका फ्लोर देखिए, जहां पर बाबू राव अपनी लुंगी सुखाते हुए नजर आए थे, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी के जितने भी लेजेंडरी सीन आप लोगों ने देखे वो पूरे फ्लोर वाले वहीं पर शूटिंग की गई, और उसे एज अ ड्रेसिंग रूम अभी यूज किया जा रहा है, जो ड्रेसिंग रूम है द कपिल शर्मा शो का, जो आप लोगों ने देखा सोनी चैनल पर, सलमान खान टेलीविजन का बोर्ड है हमारे बिल्कुल बगल में यहाँ पर, जो कि प्रोडक्शन हाउस है उस शो का। आज तो शो नहीं हो रहा है, जब शो होता है बहुत सारा तामझाम, यहाँ तक वैरायटीज लगी हुई रहती है, प्रोडक्शन वाले क्रू मेंबर्स खड़े होते हैं यहाँ पर। आपको ब्लू कलर का गेट नजर आएगा, जिसके अंदर 1100 नंबर की रेंज रोवर कार खड़ी रहती है, जब यहाँ पर शो स्टार्ट रहता है, कौन बनेगा करोड़पति के सारे सीजन, 1100 नंबर की रेंज रोवर अमिताभ बच्चन सर की, जब शो होता है यहाँ पर देखने मिलते हैं। ये रहा पूरा 16 नंबर स्टूडियो, जिसके अंदर सारे सीजन KBC के शूट किए जाते हैं, इस साल का भी यही पर हो रहा है। और आपके राइट हैंड साइड पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैजिक क्रिएट किया जा रहा है, सारे स्टूडियोज ओपन है, और उसके अंदर देखिएगा ये एक स्टूडियो खाली है, 10 नंबर स्टूडियो, यहाँ पर ज्यादातर हमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज नजर आते हैं, कैसे जब इसके अंदर जो सेट बनाया गया हो, वैरायटी से उतरे सेट के अंदर गए, बाहर आए अपने कार में गए, लास्ट टाइम सोनू सूद सर अंदर गए, बाहर आए डायरेक्टली बस में चढ़ गए, सभी से मिले, वीडियो फोटोज मिली, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर शेयर किया, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर अक्सर बहुत सारे ये देखिए क्या बनाया जा रहा है, घर, टॉयलेट, जो भी होगा।
जी हाँ, अंदर जो चाहे वो बनाएंगे, शूटिंग करता हूँ, स्टूडियो खाली। अंदर भी कुछ बनाया जा रहा है, दीवार वगैरह। 16 अलग अलग स्टूडियो है ऐसे। जान दीजिएगा हमारे फ्यूचर के आउटडोर लोकेशन का टूर यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको बहुत सारे सेट्स के अंदर नहीं लेकर गया, बहुत सारे स्टूडियो के अंदर नहीं लेकर गया, तो बॉलीवुड थीम पार्क के अंदर आप लोग अपनी सारी कसर पूरी कर सकते हो। हमें पहले से मना किया है कि जिससे हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं बॉलीवुड पार्क थीम पार्क। अरे अभी हम लोगों को खुद को बोलना पड़ेगा। ये देखो ये सब प्यारा प्यारा है, ये सब प्यारा प्यारा है, सब हमारे हीरो लोग। अच्छा लगा ना ये स्टॉप स्टॉप करके फोटो निकाले तो निकालेंगे। अभी हम लोग अंदर आ गए, सब कुछ मैजिक शो हो रहा है। पीके कम पीके अंडा खा लेगा हां एक बच्चों के अंडा खा ले। इस हुकर को देखो मैजिक मैं उड़ाएगा, इसके भी हाथ में दे देना, मैं उड़ा पकड़ने का। ठीक है ओके, अब बेटा मैं उड़ाएगा तो पकड़ देना, अंडा पकड़ लेना। ओके ठीक है, उड़ाओ। गया बेटा, किधर गया? हट गया, हट गया। अपने जेब में डाला, अपने जेब में डाला, पेट के अपने पेट में खा लिया है। नहीं क्या बात, प्लीज जोरदार तालियां प्लीज। अरे ये छोड़ दो, छोड़ दो, चल जल्दी आओ। यहाँ पे सब क्लोज वगैरह है, तो ये वाला सिल्वर कलर वाला ये रॉबर्ट मूवी में पहना था ना वही। यहाँ पे हम लोग सेल्फी भी ले सकते हैं। अभी कहा 70 स्टार्ट होगा ना। हाय कितना प्यारा है, अभी 70 स्टार्ट होगा। अरे यहाँ पे तो बनता है बॉस, यहाँ पे तो बनता है। वापस से यहाँ पे आ सकते हैं क्या? एग्जिट है आप लोगों का। ओके डन, आने के टाइम हम लोग फोटोज ले सकते हैं। ओके, अरे ये गोलमाल मूवी में ये हुआ था ना। अभी 70 आशुजीत के फोटो अच्छा है। अरे हाँ तो आशु पूरा अच्छा, ये मस्त सेट है ना, कितना मजा लग। देखो हम लोग फिर से आने वाले, पहले 70। हाँ बताए, आज तो उसका मौस है। ये पूरा अंदर से फिल्म सिटी का ये एक स्टूडियो है, इसी में अंदर से आने का अलाउ, मतलब परमिशन है इसमें आने का, बाकी सब में तो बाहर से ही दिखाना होता है। जो गाइड ने ये किया था ना, बोला था वैसे ही। अभी 70 कुछ तो ये दिखाएगा, 70 शो स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे बाहुबली का ये हुआ था सर, अच्छा शूटिंग। हाय मजा है ना, वही तो देखो देखो। हे फोटो इसका तो मतलब
हाँ आज इसका तो मौज हो गया, कितना सारा फोटो ले लिया। इधर इधर मिरर में देखते हैं। हाँ ये हमारा रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा एंड जादू, एंड जादू के साथ और एक्स्ट्रा एक जादू। देखो दो दो जादू बाबे फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी सर, हाँ यस श्योर व्हाई नॉट, जस्ट इज मी। और ये सचिन तेंदुलकर सर, और यहाँ पे बना हुआ है केबीसी का सेट। दिलीप कुमार, नीता, या यार बॉलीवुड का वोट फॉर अस। देखो देखो मोदी जी का फैन। अभी हम लोग जा रहे हैं 70 शो देखने। आप लोग जाइए। चलो 70। साथ में बैठेंगे क्या हम लोग? नो इशू, जो डरेगा तू। हाँ ये क्या उस वहाँ का सेट है ना, जो बाहुबली बना था शायद से ना, हो सकता है। कौन सा सेट है ये कौन सा सेट है? राजस्थानी सेट है। हाँ ये सब घर गोवा, ये वाला गोवा का है। ये वाला जोधा अकबर का है। अंदर यहाँ से अंदर जा सकते हैं हम लोग? अरे ऐसे आए हम लोग, अरे नहीं ऊपर जा सकते हैं तो ऐसे ऊपर भी जा सकते हैं। अरे नहीं ऊपर भी जा सकते हैं तो आ जाओ। अरे कैंटीन है यहाँ पे, कुछ नहीं। ये फोटो ओ उधर से फोटो कैमरा दे दे उसको, फोटो इसने आ गया तो कैमरामैन। या ये जोधा अकबर का ये जहाँ पे बैठता था राजा। हे यहाँ पे ये बैठता था ना अकबर। हाय ये देखो हम लोगों का राजा, महाराज महाराज की जय। हाय हाँ अभी बॉलीवुड शो थे, इधर बैठे क्या? हाँ यहीं पे आ जाओ, पता नहीं फोन करो तो उसको, प्यारा लग रहा है ना से। अभी बॉलीवुड शो था अरे मैम सर करो डांस करो, मस्त है ना से। आप लोगों का क्रोमा बना है? हाँ, फोटो हो गया, फोटो हो गया ना, फोटो लेना है। किसको लेना है? इसको पिस्सा पिस्सा। अरे मार दे खचर खचर। हड्डी टूटने की आवाज होती है क्या? एकदम स्लाइटली होते मसल्स के कारण हम भी नहीं सुन पाते, फिल्मों में साफ पता चलता है, क्योंकि असल में हड्डी टूटने की आवाज के लिए इस माइक के सामने गाजर या मूली तोड़ी जाती है। आपको ऐसा सुनाई देता है कि भाई हड्डी तोड़ी गई है, और जो हार्ट ट्विस्ट किया जाता है हाथ मरोड़ते हैं ना, तो उसके लिए प्याज की सब्जी होती है, लंबे पत्ते होते हैं,
या फिर फ्लावर जो सब्जी होते हैं ना तो उसके ऊपर के जो रूट्स होते हैं तो वो हार्ड होते हैं लेकिन पिस्टेबल होते हैं। मेरे पास एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, इससे वो आवाज रिकॉर्ड होगी, किस तरह से आप खुद ही देखेगा। ओके प्ले। दंगल में क्राउड के सीन के लिए आमिर खान असल में थे भी नहीं। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो साहो का पूरा एक्शन विजुअल इफेक्ट और सीजीआई ग्राफिक्स का ही कमाल था। इसमें जो श्रद्धा कपूर का डमी हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो, जहां ऊपर लाइट हैंगिंग पे है वहां वो हेली हैंगिंग पे था, और श्रद्धा का ये समंदर पे नहीं, मैं जा खड़ा हूं वहां पे गद्दे पी रही थी। पुष्पा का पूरा जंगल भी असल में विजुअल इफेक्ट है, हमें फॉरेस्ट में शूट करना ही अलाउ नहीं है क्योंकि हमें आज के डेट में नेचर और जानवरों का भी ध्यान रखना है। सो फिल्म में जो आप लोगों ने फॉरेस्ट देखा वो एक विजुअल इफेक्ट था, और ये जो लाल चंदन की लकड़ियां देख पा रहे हो थर्माकोल का बंडल। और इसी फिल्म का खूबसूरत सॉन्ग श्रीवल्ली भी आपको पसंद आया होगा। अगर असल में अल्लू अर्जुन झरने पे डांस करते तो नाचते नाचते चप्पल नहीं खुद कहां बह जाता है पता भी नहीं चलता। डांस भी क्रोमा पे हुआ है, झरने का विजुअल बाद में अलग से ऐड किया था। एयरपोर्ट्स भी फिल्मों में इसी तरह से दिखाए जाते हैं, एक्चुअल एयरपोर्ट पे हम ऑन टाइम शूट नहीं कर सकते। और फिल्मों में हम देखते हैं 40-50 माले की बिल्डिंग पे भी हीरो विलन आराम से एक्शन करता है, एक फ्लोर के नीचे अपने को तो भगवान दिखते हैं। ये परफॉर्मेंस भी असल में 15-20 फीट की डमी दीवारों पे की जाती है, जिसके मल्टीपल फ्रेम्स बना के हमें ऊंची बिल्डिंग दिखाई जाती है। जंगल बुक जैसे फिल्मों में मोगली कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब चीजें सीजीआई ग्राफिक्स का ही कमाल थी। और क्रिश 3 हमारी इंडिया की फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म है, जिसका एक भी सीन रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुआ था। 100% फिल्म ग्राफिक्स द्वारा VFX के द्वारा एक बंद स्टूडियो में ही शूट की गई थी। इनफैक्ट इस फिल्म में आप लोगों ने जो मुंबई सिटी देखी थी वो भी एक विजुअल इफेक्ट है। नीचे के पब्लिक हाय बोल दो। अरे ये देखिए सेट कितना मस्त लग रहा है यहाँ से ऊपर से। मैंने बोला था नीचे की पब्लिक हाय बोल दो करके। अरे अभी मैम गई है बसंती वाला सीन लेने के लिए। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। पर कुत्ते किधर है मैम? कुत्ते किधर है? जब तक है जान जाने जहां मैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हेलमेट कहाँ है आप लोग का? हेलमेट कहाँ है आपका? और एक बाइक में आप लोग तीन तीन बैठ रहे हैं? आप लोग का तो अब तक तो 2 दिन को है। आप लोग का सालान कटेगा? सालान कटने तो अभी क्या है ही नहीं, हम लोग को लेके बैठ देंगे फिर भी कुछ नहीं आएगा। चलो आप लोग को जेल में डाल देंगे हम लोग। हाँ, आप लोग को देखो ये देखो देखो उन लोगों ने इन लोगों ने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, इसलिए उन तीनों को जेल में डाल के रखा। देखो अभी रह जाओ यहाँ पे तुम लोग। वो हम लोग का शो टाइम आ जाओ। निकलना है, बस आया ना हम लोग का।
फिल्म सिटी देख के हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आप सबको फिल्म सिटी देख के मज़ा आया होगा। ये है लास्ट व्यू फिल्म सिटी का, हमको तो बहुत मज़ा आया और 70 का भी फुल मज़ा लिया, मुझे लग भी गया। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। एंड मैम प्लीज़ मराठी में आप भी बोल दीजिए डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर करके। कैसे बोलते पता नहीं, कुछ बोल दे क्या बोलते तुम्हें लाइक। अरे मराठी मध्ये बोल, मराठी मध्ये बोल। जर तुम्हाला हा चॅनल आवडला तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्र मैत्रिणींना सजेस्ट करा सबस्क्राईब करायला आणि बेल आयकॉनला हॅशटॅग मुंबई इकडे काढूया। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।